कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यूपी के मेरठ में इस बात की जीती जागती तस्वीर देखने को मिली है। तस्वीर ऐसी कि देखकर दिल एक बार को सिहर जाए, लेकिन फिर इस बात पर यकीन हो जाए कि ऊपर वाला सबको देखता है, सबकी रक्षा करता है। दरअसल यूपी के मेरठ से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि दो बच्चे गली में चलते जा रहे हैं, जैसे ही वो एक मकान को पार करते हैं पीछे से वो मकान भर भरा कर गिर जाता है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मामला मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के ढोलकी मोहल्ले का है, जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक मकान जो लगभग 100 से 150 साल पुराना था, इसी के इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस पूरे वाक्य में पहले एक महिला और उसके पीछे दो बच्चे गली से गुजर रहे हैं। जैसे ही बच्चे उस मकान को पार करते हैं, उसके तुरंत कुछ सेकंड के बाद ही पीछे से वो मकान भरभरा कर गिर जाता है। गनीमत रहती है कि बच्चे आगे निकल गए और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, बच्चे बाल बाल बच गए। हालांकि ये पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका एक वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर जब हमने बात की उस इमारत से, या यूं कहें उस मंदिर से जुड़े लोगों से, तो उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ बताया है वो सुनिए। गोर्जन जी, अभी एक सीसीटीवी यहाँ का वायरल हो रहा है जिसमें एक मकान गिर रहा है। हाँ। कहाँ का वो वीडियो है, क्या कब का है? ये सदर ढोलकी मोहल्ले मेरठ का वीडियो है और ये कल का वीडियो है। कल करीब 1:15 बजे ये मकान 100 साल पुराना मकान था और हमने प्रशासन को सूचना दे रखी थी इसके कि ये कभी भी गिर सकता है। प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन उनकी कार्रवाई के चलते चलते ये मकान अपने आप अचानक ही बगैर किसी को नुकसान करे अपने आप ही गिर गया। इसका सीसीटीवी वायरल है, इसमें दो बच्चे बच गए। हाँ, वो बस भगवान की शुगर से बच गए। आज तक इसमें किसी को चोट वोट नहीं आई है, ये भगवान का शुगर है। सूचना हमने दे रखी थी पहले और कार्रवाई चल रही थी, ऐसी बात नहीं चल रही थी। ये मंदिर का मकान, ये पूरा मंदिर की प्रॉपर्टी है। तो बताया जा रहा है कि ये जो इमारत थी वो काफ़ी जर्जर हालात में थी। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि वो जो बच्चे थे वो कौन थे और कहां जा रहे थे। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।